This news is co-sponsored by Healthy Muscle, 100% authentic supplement store, and Ashi, the fashion studio. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज महासंघ मंडी की सदर ब्लॉक इकाई ने एनएमएमएस के अंतर्गत ऑनलाइन हाजिरी न लगाने के लिए जिला उपायुक्त अरिंदम चौधरी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पंचायती राज महासंघ सदर ब्लॉक मंडी के अध्यक्ष शुभम शर्मा ने बताया कि एनएमएमएस के अंतर्गत सभी मजदूरों की हाजिरी सार्वजनिक कार्यों पर ऑनलाइन लगने के पंचायतों को जो आदेश प्राप्त हुए हैं वे हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में भौगोलिक स्थिति के कारण अत्यंत मुश्किल कार्य हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत के एक प्रतिनिधि के पास 4 से 5 मस्ट्रॉल होते हैं, जिसके लिए क्षेत्रों के अनेक भागों में एक साथ हाजिरी लगाना मुश्किल है और कुछ प्रतिनिधियों के पास स्मार्टफोन जैसी सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। वहीं पंचायती राज महासंघ ने जिला उपायुक्त से मांग की है कि जिला मंडी के खंडों से एनएमएमएस के अंतर्गत ऑनलाइन हाजिरी के आदेश को जल्द से जल्द रद्द किया जाए। हमारे पंचायतों को आदेश प्राप्त हुए हैं कि अब एनएमएमएस के अंडर जो है हम लोगों की ऑनलाइन अटेंडेंस सार्वजनिक कार्यों पे लगाई जाएगी, तो हम सभी प्रधान लोग जो हैं इसका विरोध करते हैं, क्योंकि हमारे वार्ड पंचों के पास जो है एक एक वार्ड जो है वो दो से तीन किलोमीटर के हैं, तो उसमें जो है उन्हें वहां पे पहुंचने में दिक्कत और परेशानी जो है वो सामने आ रही है, तो इस कारण हम वो जो है ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं कर सकते हैं। साथ ही में भौगोलिक दृष्टि से भी जो है वो हिमाचल प्रदेश में नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू रहता है, या तो सरकार अगर इस कार्य को करना चाहती है तो हम कहना चाहते हैं कि हमारे प्रतिनिधि जो कि हमारे वार्ड पंच है जिन्हें 600 रुपये महीना दिया जाता है, या तो उन्हें स्मार्टफोन उपलब्ध सरकार करवाए ताकि वो लोग जो हैं इस पारदर्शिता को आगे ला सके। तो हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, अगर कोई भी स्कीम को या कोई भी योजना को धरातल पर उतार रहे हैं तो कृपया करके धरातल के लोगों को उस बारे में पूछा जाए। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।